टू आवर चैनल बंच ऑफ हैप्पीनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ, हमारे यहाँ घर से थोड़ी दूर में एक फेयर लगा है। जैसे बेंगलोर का जो फेयर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अच्छा भी रहता है। तो आज मैं वहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ बेंगलोर का फेयर कैसे होते हैं। वैसे इसके पहले भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, तब हम लोग थोड़ा सा दूर में गए थे, वहाँ पर भी एक फेयर लगा था, वो भी बहुत अच्छा लगा था। यहाँ का जो फेयर है ना, वहाँ पर जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से वो लोग अपना प्रोडक्ट ला के यहाँ सेल करते। तो चलिए फिलहाल निकलती हूँ मैं, और आप भी हमारे साथ फेयर घूम लीजिए। बाय 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 किकी। अभी मैं आ चुकी हूँ मेले में, और जैसे ही हमने एंट्री किया, सबसे पहले यहाँ दिख गया है ये शॉप, जहाँ पे सारे सिरेमिक में का आइटम्स मिल रहे हैं। वैसे यहाँ आओगे ना, तो आपका मन तो करेगा ही कुछ ना कुछ आइटम्स ले लो, क्योंकि यहाँ का कलेक्शंस बहुत ही बढ़िया है। वैसे ऐसा मेला ना बेंगलोर में मुझे हर जगह कहीं ना कहीं एक दो महीने में तो दिखते ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये मेला, छोटा सा ही है, लेकिन हाँ यहाँ का कलेक्शंस मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे यहाँ का प्राइसिंग भी थोड़ा ज़्यादा ही है, आपको बार्गेनिंग तो करना ही पड़ेगा। वैसे जैसे ही हमने एंट्री किया ना, राइट हैंड में ये कुछ आइडल्स है, जो मतलब इन लोग तो बोल रहे थे कि मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ पर आगे कुछ स्टोन्स मतलब मार्बल्स का भी बहुत सारे हैं, लाइटिंग का बहुत सारा आइटम्स बने हुए हैं। वैसे जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो शॉप है, ये पर्टिकुलर ये आए हुए हैं उड़ीसा से, जहाँ पे वहाँ का जो हैंडमेड जो बैग्स है ये सब मिल रहे थे। और आगे की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे है ये कुछ राजस्थान से आए हुए ये शॉप है, जहाँ पे आपको एकदम प्योर कॉटन का जो कुर्ता पैजामा दुपट्टे बहुत सारी चीज़ों यहाँ मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने अच्छे कलेक्शन से, यहाँ पे आगे है कुछ छोटे छोटे बहुत सारे शॉप से, ये आगे रहा फिर से कुर्ती का कलेक्शन। ये पर्टिकुलर जो शॉप है ये वेस्ट बंगाल से आया हुआ है। वैसे मैंने यहाँ एक शॉपकीपर भैया से पूछा ये मेला कब तक रहेगा, उन्होंने बताया कि मिड ऑफ मई तक रहेगा, लेकिन हाँ 12 मई के बाद ये लोग यहाँ से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। ये जो दुकान है, ये हम लड़कियों के लिए तो बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पे बहुत बढ़िया कलेक्शंस था आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ का, क्लचर ईयर रिंग्स नेकलेस और भी बहुत कुछ यहाँ मिल रहे थे। और हाँ ये दुकान है, यहाँ पे कहाँ था स्टीच का जो साड़ी है वो मिल रहे थे। कलेक्शंस तो बहुत बढ़िया था, बट प्राइसिंग भी उतना ही हाई था। तो चलिए अभी आपको मैं और आगे ले कर चलती हूँ यहाँ मेले में। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे कुछ शूज़ मिल रहे थे, जो कि मैंने तो देखा नहीं था। और यहाँ पे ये जो दुकान है, यहाँ पे एकदम प्योर कॉटन के नाइटीज़ और कुर्ती मिल रहे थे। ये जो शॉप है, यहाँ पे तरह तरह के नमकीन मिल रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर मिल रहे थे।
ये सब दुकान के बिना तो मेला अधूरा होता है। यहाँ पे हमने बहुत तरह का मिक्सचर टेस्ट किया, ये भैया ने हमें टेस्ट करवाया, उसके बाद हमने दो तरह का मिक्सचर यहाँ से लेके आए हैं घर, जिसका टेस्ट अच्छा था और प्राइसिंग भी ठीक ठाक था इस शॉप में। देखिए कितने वैरायटी के यहाँ पे नमकीन मिल रहे थे, ये शॉप आया हुआ था राजस्थान से। ये जो शॉप है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पापड़ मिल रहे थे। वैसे इस जगह का खासियत ये था कि यहाँ पे ये पापड़ भूंज के आपको टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करो आपको क्या लेके जाना है घर। और यहाँ पे आगे है बच्चों की टॉय की शॉप, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टॉयज मिल रहे थे, जिसे देख के मेरी बेटी तो बहुत जिद कर रही थी कि कुछ तो उसको लेना है इस शॉप से। ये जो शॉप है ना, यहाँ पे ये भैया कुछ ऑयल दिखा रहे थे जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सही है। वैसे मैंने ये ऑयल यूज़ किया है जब हम लोग चिकमंगलूर से आ रहे थे, तब ये मैंने खरीदा था, सच में बहुत सही है। वैसे आप लोग चाहो तो मेरे चिकमंगलूर वाला वीडियो भी देख सकते हो, मेरे चैनल में डाला हुआ है।